हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाने वाले हैं बिना लहसुन प्याज के चना दाल और लौकी की सब्जी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम समय में बन जाती है, तो इसे आप बच्चों के टिफ़िन वगैरह में रख सकते हैं। तो ये टिफ़िन के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। एक तो ये झटपट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, तो इसे अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई गर्म कर ली है और उसमें हमने 1 से 2 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल आप अपने ज़रूरत के अनुसार डाल सकते हैं। तो ये अच्छा गर्म हो गया है। इसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच सरसों और 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। और इसके बाद हमने 1 हरी मिर्च और अदरक और 2-3 काली मिर्ची ली थी, जो मिक्सर जार में डालकर पीस ली हैं। यहाँ पर हम लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मिर्ची वगैरह आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हरी मिर्ची और काली मिर्ची से ही ये सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। और इसके बाद 1 हरी मिर्ची हमने कट करके ऐड कर दी है, तो ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देंगे। और इसके बाद हम इसमें सब्जी वगैरह ऐड करेंगे, तो अभी हम इसे थोड़ी देर और चला लेंगे। गैस को लो मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। इसके बाद हमने ली है यहाँ पर 1 बाउल चना दाल, जिसे हमने भिगा लिया था, तो लगभग ये 2-3 छोटा चम्मच होगी। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से चला लिया है और इसे हमने 2 से 3 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था, तो ये अच्छे से फूल गई है। और इसके बाद हम पानी हटा देंगे और इसमें ऐड करेंगे। तो चना दाल और लौकी की सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो एक छोटे साइज की हमने यहाँ पर लौकी ली थी, जिसे मैंने काट कर साफ़ करके रख लिया था, तो इसे भी हमने ऐड कर दिया है। और इसे हम बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे और इसके बाद हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अभी हमें पानी वगैरह ऐड इसमें नहीं करना है। तो ये झटपट बन जाती है और बहुत ही बढ़िया बनती है, तो बच्चों को भी पसंद आती है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। और 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यदि आप चाहते हैं थोड़ा सा तीखा बनाना, तो लाल मिर्ची आप ऐड कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पर नहीं इसमें ऐड किया है। इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए इसे ढककर पकाएंगे और ये बहुत ही बढ़िया पककर तैयार हो गई है। तो इसमें हमने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है 1/2 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें हमने पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया था, तो धनिया पाउडर जल जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा बाद में ही ऐड करेंगे। और ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो थोड़ी देर और ढक के पकाएंगे। लौकी पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसे हम ढक ढक कर ही पकाएंगे। इसमें हमने पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद हमने 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है और यहाँ पर 1 से 2 हम टमाटर लिए हैं, बारीक कट कर लेंगे और इसे ऐड करेंगे। तो टमाटर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक देंगे। टमाटर हम तभी ऐड करेंगे जब लौकी पक जाए अच्छे से, पहले से हमें ऐड नहीं करना है। तो इसे ढकने के बाद 1 से 2 मिनट हमने पका लिया है और टमाटर भी बहुत ही बढ़िया पक गए हैं। और यहाँ पर हमारी सब्जी बन के तैयार है, तो जो हमने हरा धनिया लिया था कट करके, वो भी ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बहुत ही झटपट बन के तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ढक देंगे। 1 बाउल में हमने इसे सर्व कर लिया है। तो बिना लहसुन प्याज के बहुत ही झटपट बनने वाली हमारी सब्जी बन के तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है और सभी को बहुत ही पसंद आएगी, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यदि आप इसमें टमाटर वगैरह ऐड करना नहीं चाहते हैं, तो आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और यदि आप ग्रेवी वाली बनाना चाहते हैं, तो 1 से 1/2 कप आप पानी डाल दें और 2 से 5 मिनट पका लें, तो बहुत ही टेस्टी ग्रेवी वाली सब्जी बनके तैयार हो जाएगी।
इसमें हमने चना दाल ऐड किया है, तो इससे ये दोनों ही तरह से बहुत ही टेस्टी लगती है। तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी है और देखने में भी बहुत ही बढ़िया है। रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।